तो यार माशाल्लाह सुबह सुबह सभी परिंदों को छोड़ा है। धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, तो सभी परिंदे बाहर प्लॉट में फिर रहे हैं। ये देखो, और बेला को जंजीर के साथ बांध दिया, ये इधर बंधी खड़ी है। सभी परिंदे इधर फिर रहे हैं। मुर्गियाँ कुछ जो है वो भैंसों वाली साइड पे चली गई हैं, कुछ इधर फिर रही हैं, और परी जो है अभी तक इधर ही खड़ी हुई है। परी को अभी तक नहीं खोला, थोड़ी देर तक इसको बाहर लेके जाएंगे फसलों में। तो ये मोर के काम चेक करो, उड़ के दीवार के ऊपर बैठ गया है। तो छोटे चूजों वाली मुर्गी इधर खड़ी हुई है। ये देखो किधर छोटे बच्चों की जो है खुले के अंदर फिर रही है। एक वो जा रहे, ट्रक्की भी इधर फिर रहे हैं। तो यार ये बछड़ियाँ हमारी पहले उधर डेरे पर थी, तो अब इसको इनको जो है भैंसों वाली साइड पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि अब सारी भैंसें इधर आ गई हैं, तो इनको इधर शिफ्ट कर दिया। पता नहीं इसको क्या मस्ती चढ़ी हुई है। वो क्या कर रहा है तू? अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हो? खैर खरीत से उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। ये अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो छोटू गैंग को अभी बंद करते हैं। तो जो दूसरी, ये जो छोटू गैंग है ये मेरे पीछे पीछे फिर रहा है, और दूसरी मुर्गियाँ भी जो है वो भी वेट कर रही हैं, क्योंकि अब तकरीबन सूरज ग़ुरूब होने वाला है, तो इनको दाना वगैरह फिर डालते हैं। चलो 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 अपने केज के अंदर जिधे, चलो चलो तुम तो बाहर आ जाओ। तो फाइनली ये बंद हो गई हैं, तो अब इन सभी को दाना वगैरह डालते हैं। ये देखो ये पीछे पीछे फिर रहे हैं। तो रैबिट को जो है घास वगैरह डाल दी है, वो देखो ये खा पी के आराम फरमा रहे हैं सभी। तो यार हमने रैबिट और लेके आने थे यार, बस टाइम नहीं मिल रहा। तो और रैबिट जो है वो मुख्तलिफ कलर में मिलते हैं यार, तो वाइट में मिल नहीं रहे इधर। तो मैं वाइट जो है रैबिट उनकी कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हम रैबिट बहुत ज़्यादा रैबिट लेके आएंगे। हाँ जी, दाना डालूँ आपको? तो इनको भी बाहर छोड़ा हुआ है, तो अभी इनको दाना वगैरह डालते हैं। तो दाना डाल दिया मैंने इनको। वो छोटू गैंग मुर्गे के पाँव के नीचे आ गया था। ये देखो ये गाइस, आपने पहले भी देखा होगा जैसे मैं दाना डालता था ना, ये मुर्गा दाने के करीब नहीं आता था, क्योंकि जो है मोर और ये सभी चीज़ों से पहले डरता था। तो आज जो है ये किसी और चीज़ को नेड़े नहीं आने दे रहा, खाने नहीं दे रहा, क्योंकि जब ये इसका पेट फुल होगा तो फिर दूसरी चीज़ों को ये खाने देगा, फिर ये पीछे हटेगा। आज ये देखो ये मोर भी पीछे पीछे फिर रहा है, ये दूसरे पट्टे वगैरह भी ये सभी पीछे ही फिर रहे हैं। ये देखो वो अकेला ही खा रहा है, साथ उसके छोटू गैंग है या छोटे चूजे हैं। अब टर्की कोशिश कर रहा है। वो पीछे गया, जैसे ही मुर्गा आया वो पीछे चला गया। तो यार ये जो हमारे खुमरे हैं ना, ये दिन के टाइम तो नहीं अब आवाज़ें करते अभी तक, तो रात को यार ना मुझे लगता है सिर्फ एक मेल है इनमें, दो फीमेल है। तो रात को जो है ये बहुत आवाज़ें करता है यार, जो मेल है ना वो बहुत ज़्यादा बोलता है। तो मुझे लगता है यार हमारी दूसरी मादी ने भी अंडा दे दिया है। ये देखो ये देखो, और इसके नीचे भी अंडे हैं। खड़ी हो? ये देखो, तो अल्लाह करे ये बच्चे निकल आए, क्योंकि यार जो कौवे हैं ना या मुर्गी हैं वो अंडे तोड़ देती हैं, क्योंकि ये इस केज का जो डोर है वो ओपन ही रहता है सारा दिन, क्योंकि ये बाहर ही फिरते रहते हैं।
तो वो मुर्गियाँ तोड़ देती हैं अंडे, तो अल्लाह करे इस दफा ही बच्चे निकल आए। वो छोटू गैंग आपका पेट नहीं फुल हुआ अभी, आपका पेट नहीं फुल हुआ? अब गैनी फुल आ गए हैं आज, तो ये भी मुर्गे से डर रहे हैं यार। पहले ये सभी चीज़ों को मारते थे ये गैनी फुल, हाँ ये भी मुर्गे से डर रहे हैं। हाँ छोटू गैंग का अब जो है ये पानी पीने का टाइम हो गया है, अब ये पानी पीने जा रहे हैं। जाओ पी आओ पानी। लो जी उनका इरादा चेंज हो गया है, ये लाइन देखो कैसे बना के जा रहे हैं। जब ये सभी परिंदे जो है ना, ये मुर्गा टर्की गैनी फॉल ये सभी चीज़ों को जब पेट फुल होगा तो फिर जो है ना हमारे वो पट्टियाँ पट्टे जो हैं वो ऊपर बैठे हुए हैं वो फिर आएंगे इधर खाएंगे। तो क्योंकि पिजन जो है, पिजन को तो दाना वगैरह उनके केज के अंदर भी पड़ा रहता है, उनको तो वो तो कम ही खाते हैं इस टाइम। तो जो ये जब वाले जो पिजन है इनको मैंने थोड़ी देर पहले निकाला, ये लक्के उबारे, ये देखो इनका जो है इनके आगे दाना जो है वो पड़ा ही रहता है, तो इनको अभी अभी मैंने बाहर निकाला है। चलो तुम भी अपने केज में चलो, ये छोटे चूजों वाली मुर्गी को यार बंद कर दें इधर, क्योंकि दाना इधर भी पड़ा हुआ है, वो ये आपको मारेगी यार। अंदर चले गए हो, चलो बाय। चलो तो इसका डोर बंद कर देते हैं क्योंकि इसके आगे दाने काफ़ी पड़े हुए हैं। यार ये टर्की फीमेल और वाइट वाला जो मेल है इनको मैंने अलहदा बंद किया हुआ था एक केज के अंदर, तो बच्चों ने बाहर निकाल दिए, जब मैं आया हूँ देखा तो बाहर फिर रहे थे। तो ठीक है गाइज, इंशाल्लाह कल के नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। आपने कसम उठाई हुई है इस मेल की जो है ना, इसकी जान नहीं छोड़नी, इसका पीछा नहीं छोड़ना, इसके पीछे पीछे दिन रात लगे रहा करो।